Start with the name of Allah who is the most beneficent and most merciful. Dear students, assalamu alaikum. आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.7 क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन है हमारे पास द ए एम मीन्स अर्थमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव इंटेग्रल नंबर्स एक्सीड्स देयर पॉजिटिव जी एम बाय टू. दो पॉजिटिव इंटेग्रल नंबर्स हैं ए एम के, ठीक है. ए एम ऑफ टू अर्थमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव इंटेग्रल नंबर्स एक्सीड मतलब बढ़ना, बढ़ रहे हैं वो. देयर पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बाय टू एंड देयर सम इज 20. और उनका किस तरह से बढ़ रहे हैं, देयर ज्योमेट्रिक मीन बाय टू एंड देयर सम इज 20 और उनको ऐड करेंगे तो 20 हमें मिलेगा. फाइंड द नंबर्स, और हमने फाइंड क्या करने हैं, नंबर्स मतलब कि आपने क्या करना है, ज्योमेट्रिक मीन में जब टू ऐड करते हैं एक्सीड देयर पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन बाय टू. ज्योमेट्रिक मीन बढ़ रहा है टू के साथ, ज्योमेट्रिक मीन में आपने टू ऐड करना है तो आपको क्या मिलेगा, एक अर्थमेटिक मीन मिलेगा, ठीक है. अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, वहाँ से आपको इजीली समझ आ जाएगी. सॉल्यूशन हमारा स्टार्ट हो रहा है. अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन प्लस टू. मैंने आपको बताया था जी एम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है टू के साथ तो आपको क्या मिलेगा, एक अर्थमेटिक मीन मिलेगा, ठीक है. लेट ए एंड बी बी द टू नंबर्स. अब हम लेट करेंगे टू नंबर्स ए और बी, ठीक है. अर्थमेटिक मीन का हमें फार्मूला बताया है, दो नंबर को ऐड करें और उसे टू पे डिवाइड करते हैं हम. ए प्लस बी डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन क्या है, स्क्वेयर रूट ए बी, ठीक है. ये प्लस माइनस होता है तो क्वेश्चन में गिवन क्या था, पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन, तो इसलिए हमने यहाँ पे पॉजिटिव लिया स्क्वेयर रूट ए बी प्लस टू एज इट इज़, ठीक है. इसे क्वेश्चन वन का नाम दे दें. टू इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. नहीं, अभी हम नेक्स्ट अपनी कंडीशन देखते हैं. ए प्लस बी इज इक्वल टू 20, इनका सम किसी भी दो नंबर्स का सम क्या था, 20 के इक्वल. तो ये वहाँ से हमने यहाँ पे इक्वेशन बनाई ए प्लस बी इज इक्वल टू 20. तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर टू. अब हम सिंप्लीफाई करते हैं ए बी को, इक्वेशन वन को, और यहाँ से क्या फाइंड करेंगे, ए बी बाय इक्वेशन वन 20 डिवाइडेड बाय टू, ठीक है. ए प्लस बी की जगह हमने क्या पुट कर दिया है, 20. ए प्लस बी 20 था, इसे हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया. ए प्लस बी की जगह 20 डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए बी प्लस टू, ठीक है. टू वन ज़ा टू, टू टेन ज़ा 20, यहाँ पे आ जाएगा 10 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए बी प्लस टू. टू इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा बिकॉज इस साइड पॉजिटिव है. 10 माइनस टू 8 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए बी. बहुत साइड आप स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बहुत साइड, ठीक है. तो ये 8 मैंने इस साइड पे लिख दिया और ए बी को इस साइड पे, ठीक है. स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 64. सॉरी, स्क्वायर रूट नहीं लेंगे, स्क्वायर लेंगे. स्क्वायर रूट तो ऑलरेडी है हमारे पास, ठीक है. टेकिंग स्क्वायर ऑन बहुत साइड स्क्वेयर लेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू 64. ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 3. अब फ्रॉम इक्वेशन 2, वहाँ से ए की वैल्यू हमने निकाल ली है. ए इज इक्वल टू 20 माइनस बी, ये बी इधर था ना, ए प्लस बी इज इक्वल टू 20 थी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है. तो वहाँ से हमने क्या किया, ए की वैल्यू फाइंड की, ए इज इक्वल टू 20 माइनस बी, इसे अपनी इस इक्वेशन में पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 3 में. ए की जगह पुट करें 20 माइनस बी इंटू बी, ठीक है, इज इक्वल टू 64. 20 मल्टीप्लाई बी 20 बी माइनस बी मल्टीप्लाई बी बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 64. बी स्क्वेयर भी इधर चला जाएगा, 20 बी भी इधर चला जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ठीक है. बी स्क्वेयर माइनस 20 बी प्लस 24 इज इक्वल टू 0. अभी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, इसकी हम फैक्टराइजेशन करके यहाँ से बी की दो वैल्यूज फाइंड कर लेंगे. बी स्क्वेयर माइनस 16 बी माइनस 14, 16 मल्टीप्लाई 4 64 भी बनता है, और 16 माइनस 16 माइनस 4 माइनस 20, ठीक है. तो माइनस 20 की जगह माइनस 16 और माइनस 4 आ गया, प्लस 64 इज इक्वल टू 0. यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, बी. बी जब कॉमन लेंगे तो यहाँ रह जाएगा बी माइनस 16 माइनस, यहाँ से ले लेंगे हम 4 कॉमन, माइनस 4, यहाँ रह जाएगा बी और यहाँ 16, ठीक है. साइन नेगेटिव आएगा बिकॉज माइनस माइनस प्लस, ठीक है. अगर मैं प्लस लगा दूँ तो प्लस माइनस माइनस, बट हमारे पास तो यहाँ पे प्लस है, इसलिए यहाँ पे साइन क्या आएगा, माइनस का.
ठीक है। अब b माइनस 16 इज इक्वल टू ज़ीरो, ब्रैकेट के बाहर वाला टर्म b माइनस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से b क्या आ जाएगा हमारे पास 16, और यहाँ से आ जाएगा b इज इक्वल टू 4 बाय 4। अब इक्वेशन 4 में आपने पुट कर देनी है वैल्यू। इक्वेशन 4 हमारे पास यही थी, a इज इक्वल टू 20 माइनस बी, बी की जो वैल्यूज पुट किए हैं दोनों पुट कर दें यहाँ पे, a इज इक्वल टू 20 माइनस 16, तो यहाँ से a आ जाएगा 4, और यहाँ पे पुट करेंगे तो 20 माइनस 4, बी की वैल्यू हमने 4 पुट की, तो यहाँ से a आ जाएगा 16, हेंस रिक्वायर्ड नंबर 16 एंड 4। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, स्टेटमेंट को समझ लिया करें देन आप इजीली अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, फिर भी अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।